वेलकम टू टेक्सीएस इंजीनियरिंग. हियर आई एम हिमांशी अग्रवाल. हियर आई एम अपलोडिंग वेब डेवलपर ट्यूटोरियल वीडियोज. ओके, इफ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स, फॉर लर्निंग वेब डेवलपमेंट कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और कमेंट ऑन दिस वीडियो. ओके ओके, वी डिस्कस्ड about basic of web development, introduction of html, tools of html, html tag, body tag, head tag, heading tag, paragraph tags in previous videos. If you want to learn these topics, so I gave link in description box. Okay, today I will discuss about form tags or some form elements also. Okay, now we start today's session. Okay, form tags create a form base or web page. Need to html form. One thing, html form tag की जरूरत क्यों पड़ी अपन ये देखें. तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि html form elements क्या होते हैं. तो the html form element provide a document section. ये एक डॉक्यूमेंट सेक्शन को अपन को प्रोवाइड कराता है, यूजर को प्रोवाइड कराता है टू टेक इनपुट फॉर्म यूजर. मतलब जब भी कोई वेबसाइट पे एक फॉर्म ओपन होता है तो उस फॉर्म में जो फॉर्म जो ओपन होता है तो वो एक सेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट सेक्शन ही होता है जिसमें अपन डिटेल्स भरते हैं. तो वही एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट का वर्क होता है. ओके, इट प्रोवाइड्स वेरियस इंटरैक्टिव कंट्रोल फॉर सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेब सर्वर सच एज टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड, डीटेल्स. जैसा मैंने अभी बताया था कि पासवर्ड फिल करना है, टेक्स्ट एरिया फिल करना है या टेक्स्ट फील्ड फिल करनी है. जैसे इनपुट में अपन नेम लेते हैं तो उसमें टेक्स्ट फिल करते हैं, वहीं एड्रेस की बात की जाए तो टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं. पासवर्ड की बात की जाए तो वहाँ पासवर्ड टाइप होता है ना, तो वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे. देखते हैं चलो अब नीड क्यों पड़ी इस चीज़ की, तो ये भी अपन देख लेते हैं. जैसे कि आप सब जानते ही हो, जब भी कोई यूजर सेलिंग परचेजिंग वेबसाइट से कोई आइटम परचेज करता है तो जब वो यूजर उस पर्टिकुलर आइटम को वाई नाउ करता है तो एक फॉर्म पेज ओपन होता है जिसमें यूजर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, शिपिंग एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, फोन पे डिटेल्स और फोन नंबर्स वगैरह वगैरह डालता है अपना. ओके, ये डिटेल्स फॉर्म पेज की हेल्प से ही फिल की जाती है. मतलब फॉर्म पेज जब तक ओपन ही नहीं होगा तो आप उन डिटेल्स को फिल कहाँ करोगे. वही तो फॉर्म पेज अपन एचटीएमएल फॉर्म टैग से ही क्रिएट करते हैं, इसी से अपन को वो एरिया शो होता है अपने वेब पेज पे. ओके, जैसे कि अगर बात की जाए ऐसे ही, तो स्टूडेंट किसी वेबसाइट पर अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं है ना, वहाँ भी फॉर्म टैग का यूज होता है. जैसे कि नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, एज है, कंट्री है, स्टेट है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं, अगर पेइंग वेबसाइट पेइंग एग्जाम फॉर्म है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये दोनों नहीं होते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नहीं होता है ना. ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट का, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उस पर अपन पहले रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें पहले फर्स्ट नेम पूछता है, लास्ट नेम पूछता है, ईमेल एड्रेस पूछता है, पासवर्ड पूछता है, तो वो भी तो अपने एक फॉर्म पेज ही हुआ. तो वो फॉर्म पेज बनता है किससे, फॉर्म टैग से अपन क्रिएट करते हैं. उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स अपन उसमें डालते हैं, जैसे एज है, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और. ओके, जहाँ भी यूजर अपनी डिटेल फिल करते हैं वो डिटेल फिल करने वाला सेक्शन जो होता है ना, मतलब डिटेल फिल करने के लिए जो फॉर्म ओपन होता है, जो प्लेस ओपन होती है, उस प्लेस को अपन फॉर्म बोलते हैं. ये तो आप सब जानते ही हो. तो जो भी फॉर्म ओपन होता है वो फॉर्म फॉर्म टैग से ही क्रिएट किया जाता है. ओके ओके, नाउ वी टॉक अबाउट वाट टाइप ऑफ टैग्स आर यूज टू क्रिएट फॉर्म एलिमेंट्स. फॉर्म एलिमेंट्स में अपन किस किस टाइप के टैग्स को
यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके 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 तो जो फॉर्म डेक्स की कुछ ये लिस्ट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको एक एक करके समझाएंगे भी, है ना। चलिए, जैसे सबसे पहला है अपना फॉर्म टैग। जैसे सवाल अपन ने अभी अपन ने इसको समझा था। ओके ओके जब कोई फॉर्म वेब पेज पर ओपन होता है तो यूजर साइट से इनपुट एंटर करते हैं, है ना। तो इनपुट एंटर करने के लिए अलग अलग बॉक्सेस बने रहते हैं, वो बॉक्सेस फॉर्म डेक ऑटो क्रिएट करता है। जब भी अपन कोई एलिमेंट बनाते हैं उसका तो फॉर्म बेस ऑटो क्रिएट करता है। जैसे एज है, एज के आगे बॉक्स बना होता है जिसमें बताता है कि अपनी एज लिखो। अगर उसमें ऑप्शन होता है अपन उसमें से चूज कर देते हैं, ऑप्शन नहीं होता है तो अपन अपनी एज डाल देते हैं जितनी भी होती है। ओके ओके ऐसे इनपुट टैग है। यूजर से डिटेल्स इनपुट करने के लिए इनपुट टैग होता है। ओके फॉर्म टैग जगह क्रिएट करता है, इनपुट टैग यूजर से फॉर्म एलिमेंट में वैल्यू एंटर कराता है या फिल कराता है। ओके जैसे ए नेम है तो नेम में किस टाइप की वैल्यू डालनी है, तो पहले इनपुट कराओगे ना, तो इनपुट पहले नेम नाम का अपन ने एलिमेंट बनाया, देन इनपुट टैग लगाया, और इनपुट टैग लगाने के उसमें इनपुट में ही टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप किस टाइप का अपन को इनपुट चाहिए, तो नेम में टेक्स्ट ओनली चाहिए होता है अपन को, तो उसमें अपन टेक्स्ट दे देंगे। तो ये सब अपन आगे वीडियो में सीखेंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके ओके अपन अब टेक्स्ट एरिया समझते हैं क्या होता है। तो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल होता है ना। मीन्स जैसे यूजर एड्रेस फिल करता है, यूजर का एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाएगा, है ना, नहीं आ पाता। जब भी अपन एड्रेस डालते हैं किसी फॉर्म में तो एक लाइन में तो ऑब्वियसली नहीं आ पाता है, कम से कम 2 से 3 लाइन तो लग ही जाती है। तो मल्टी लाइन कंट्रोल यही होता है कि मतलब एक जो टेस्ट अपन ने लिखना शुरू किया वो मल्टी लाइन में शो हो, मल्टी लाइन में ही फिल्ड हो, है ना। एक लाइन में फिल्ड होगा तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा उसको विजिबली अच्छे से नहीं ना। तो एड्रेस इनपुट करने के लिए लाइंस की जरूरत होती है, तो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन में इनपुट लेता है। ओके समझ आया। आगे अपन इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी लेके आऊंगी इन सबका। ओके चलो अब लेबल के बारे में बात करते हैं। लेबल, इट डिफाइंस अ लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट। आई मीन जब कोई वेब फॉर्म खुलता है तो उनके एवरी बॉक्सेस सेम साइज के होते हैं, एक लेबल में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, ये लेबल टैग से होते हैं। ओके लेबल टैग ऑटो क्रिएट करता है उनको, ऑटो मतलब सेम लेवल में लेकर के आता है। ओके ये अपन आगे आने वाली उसमें देखते हैं कि कैसे करता है ये। थोड़ा सा मैं आपको इसको गूगल पर दिखा देती हूँ, मिनट। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में अपन देख पाएंगे, तो अपन अभी इसमें यही देखते हैं। ओके अभी मेरा नेट अच्छे से नहीं चल रहा है तो इसलिए मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। फील्ड सेट जो है ये क्या है, इट ग्रुप्स द रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ फॉर्म। मतलब फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको एक ग्रुप में रखता है। फील्ड सेट का वर्क क्या होता है, एक ग्रुप में रखना है उन एलिमेंट्स को। ये जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो सब्सक्राइब इट। ओके लीजेंड क्या करता है, इट डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट के एलिमेंट को कैप्शन करता है ना।
सिलेक्ट क्या करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। जैसे कोई भी अपन कॉलेज की वेबसाइट, आई मीन जब अपन कोई एग्जाम पोर्टल खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो कॉलेजेस की लिस्ट होती है या स्कूल की लिस्ट होती है, कोई भी लिस्ट होती है जिसमें से अपन को किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो वो सिलेक्ट टैक्स होता है ना, उसमें डेटा लिस्ट डिफाइन रहती है, तो उसमें से अपन चूज करके एक को सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट से होता है। ओके, ओपीटी ग्रुप क्या करता है, इट डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं ना, आई मीन जैसे कॉलेज का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, वही एग्जाम्पल इसमें भी वर्क करेगा, कि उसमें रिलेटेड ही होते हैं, तो होते हैं सारे के सारे कॉलेजेस ही आ जाते हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है जो कॉलेज की जगह पर डिग्री रख दी, तो वही सब। ओके, ऑप्शन डेक क्या करता है, इट डिफाइंस इन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट जब यूजर वही चीज, ऑप्शन का मतलब भी यही हुआ, अपन ने कॉलेज की लिस्ट खोली या डिग्री की लिस्ट खोली, तो डिग्री की लिस्ट खोली तो डिग्री के जैसे ऑप्शंस होंगे, एम टेक है, बी टेक है, बीई है या कुछ भी है, तो वो उन जैसे ऑप्शंस होंगे, तो वही ऑप्शन टैग करता है कि उसमें ऑप्शंस डालता है, और वो ऑप्शंस यूजर्स को शो होते हैं, उनमें से यूजर्स एक ना एक को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है उसे, सिलेक्ट से सिलेक्ट होते हैं, ओपीटी ग्रुप से उसके शो होते हैं, ऑप्शन से भी शो हो जाते हैं, बट ओपीटी ग्रुप ये है कि एक ग्रुप में जो बॉक्स बन गया आगे जो दिखाई देता है ऑप्शन वो होते हैं, है ना, तो वही सब डिफरेंस अपन को आगे वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैं समझाती हूँ आपको आगे वीडियो में। ओके, बटन क्या करता है, इट डिफाइन अ क्लिकेबल बटन। मतलब बटन पर तो क्लिक ऑब्वियसली किया ही जाता है, कोई भी बटन हो, लाइट चालू करनी है तो बटन पे पहले क्लिक करोगे तभी तो बटन से लाइट चालू होगी, राइट, वैसे ही। तो जैसे कि इसमें रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स बटन होता है, या और भी बटन होते हैं, तो रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन वो टाइप देना होता है अपन को, लेकिन बटन तो बेसिकली बटन ही होता है, सबमिट बटन बना देते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन बटन बना देते हैं, जैसे रजिस्टर बटन है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अपन ने अगर कोई लिंक दे दी उस चीज़ की तो वहां पहुंच जाएंगे, दूसरी वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, तो वही सब है ना, तो ये सब बटन पेज बटन डेक का वर्क होता है ना। ओके, चलो ये सब देखते हैं आगे। डेटा लिस्ट, इट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डिग्री है तो डिग्री में प्री डिफाइंड ही रहते हैं, उसमें तो लिस्ट ऑफ द डिग्री होती हैं, उनको देख लो बस, उनको पहले से ही अपन डिफाइंड कर देते हैं उस ऑप्शन में, तो वही जो लिस्ट बनी हुई है वो डेटा लिस्ट होती है। ओके, की जनरेशन क्या होता है, इट डिफाइंस अ की पेयर जनरेटर फील्ड फॉर फॉर्म्स। की जनरेटर फील्ड फॉर्म के लिए की जनरेटर फील्ड को डिफाइन करती है, मतलब बनाती है। ओके, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ पेयर ऑफ की, वही मैंने बोला ना, जनरेटिंग लिखा हुआ है आपको। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट कीज जो है उनको जनरेट करता है। दैट आर यूज्ड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, की का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को सिक्योर करना, इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, इस चीज का ये पासवर्ड है, इसको और पासवर्ड से हटा देना या पासवर्ड डाले रखना, जैसे फोन है अपना सपोज दैट, तो उस फोन में भी तो इनक्रिप्शन रखना है अपन, या तो पैटर्न डाल देते हैं या पासवर्ड डाल देते हैं या पिन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, दैट मीन्स इनक्रिप्शन, और जब उनको हटा देते हैं दैट मीन्स डिक्रिप्शन। ओके, सेंड टू द सर्वर, तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, सेंड टू द सर्वर मतलब अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके सर्वर पर रखना है या डिक्रिप्ट करके सर्वर, ये सब यूजर देखता है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आता नहीं है, यू वॉन्ट टू सेव दिस पासवर्ड, यू वॉन्ट टू सेव दिस, तो वही चीज ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो गया, कि अगर तुम सेव करना चाहो तो सेव कर दो, चाहो तो अपने गूगल क्लाउड से जाकर उसको रिमूव भी कर सकते हो, तो वो सब चीजें हैं ना। ओके, आउटपुट का मतलब होता है, इट डिफाइंस द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, जो भी अपन ने कैलकुलेशन की उसका रिजल्ट क्या आना है वो आउटपुट में शो होता है, तो उसमें अपन आउटपुट टेक्स्ट करते हैं। ओके,
ओके, ये सारा हुआ अपना, ये टैक्स वाला कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में अपन इसका पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इन सारे टैक्स का, ये जो भी टैक्स हैं अपने, इन सब का अपन फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब देखते हैं कितने कितने कवर्ड होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स। यू सो मच।